मुंडापांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर अलीगंज मार्ग पर ट्रैफिक का बड़ी तादाद में संचालन होने के बाद सड़क हादसों का सिलसिला बढ़ गया है। उसके बाद दलपतपुर चौराहे पर जाम लगाने वाली ई रिक्शाओं की तादाद भी बढ़ गई है। अगर क्षेत्रवासियों की माने तो ज्यादातर ई रिक्शा बिना नंबर प्लेट के दलपतपुर अलीगंज मार्ग पर दौड़ते हुए मिलेंगे। ई रिक्शा चालक सवारी बिठाने के चक्कर में रोड को जाम कर देते हैं और किसी भी राहगीर या बाइक सवार को नहीं निकलने देते। जाम में मुरादाबाद से चल रही इलेक्ट्रॉनिक बसें भी घंटों फंसी रहती हैं। दूसरी तरफ ओवरलोड वाहनों ने ओवरब्रिज के नीचे और चौराहे के मोड़ पर रोड में गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है। जाम को सफल बनाने में सबसे ज्यादा ई रिक्शा चौराहे पर हुजूम बनाकर खड़ी रहती है। कई बार थाना पुलिस ने इन ई रिक्शाओं को पकड़कर चौकी दलपतपुर में खड़ा करा दिया है। उसके बावजूद भी ई रिक्शा वालों ने दलपतपुर अलीगंज मार्ग पर अपना कब्जा जमा रखा है। इन ई रिक्शाओं के आए दिन जाम लगाने से क्षेत्रवासी परेशान है। अगर पुलिस इन अवैध ई रिक्शाओं पर कड़ी कार्यवाही करती है तो ये दलपतपुर चौराहे पर नजर नहीं आएंगे और क्षेत्र की जनता को जाम से भी नहीं जूझना पड़ेगा। वसीम, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे जाम बहुत लगता है दलपतपुर चौराहे पे, और यहाँ का रोड सही नहीं है, सब टूटा हुआ है, और ये मिनी मेट्रो वाले जो हैं ये परेशान करते हैं पब्लिक को। ये बड़ी गाड़ी निकलना नहीं देते हैं,